सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होटेश लाइफ। सो फाइनली गाइस, जैसा कि आप थंबनेल देख के ये जरूर समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सो फाइनली IHM हाजीपुर में डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये खुशखबरी उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, लाइक कि बहुत ज़्यादा इशू हो गया था एग्ज़ाम के टाइम और मैक्सिमम स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, जिनका बार बार मैसेज आ रहा था कि सर मेरे को डायरेक्ट एडमिशन लेना है। सो फाइनली ये सुनहरा मौका आपको IHM हाजीपुर दे रहा है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, जो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये रैंकिंग में जो 2021 के रैंकिंग में 8 नंबर पे ये कॉलेज आता है। अगर इस कॉलेज के बारे में बात करूँ, इसकी फैसिलिटी, तो इसकी फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। अगर मैं फैकल्टी के बारे में बात करूँ तो फैकल्टी भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ IHM हाजीपुर का, मुझे पता है कि यहाँ के फैकल्टी कैसे हैं। तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सो अभी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अप्लाई करना होगा। इसका क्या क्या प्रोसेस है आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, इसका यही प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मैं अभी दिखाऊंगा आपको फॉर्म, उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। जैसे ही आप उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवा के उसके बाद से उस फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद से कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, उस डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको अटैच करना है। अटैच करके अगर आप नियर हो, यानी कि IHM हाजीपुर से नज़दीक हो आप, तो आप कॉलेज को ज़रूर विजिट करो, क्योंकि कॉलेज को अगर आप विजिट करते हो तो आपको हर एक प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कब करना है। लेकिन अगर आप ज़्यादा दूर से हो तो उसके लिए आपको एक मेल आईडी दिया गया है, अभी मैं दिखाऊंगा। उस मेल आईडी पे आपको मेल कर देना है, जो फॉर्म आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे प्रिंट आउट निकाल के, उसके बाद से उसके साथ अटैच करोगे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, उस डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको मेल कर देना है। सो देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। तो इसके लिए आपको जाना होगा IHM हाजीपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक, IHM हाजीपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। सो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं BSc रेसिड्यूल 2021 से 2022, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन फॉर्म, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, उसको फिलअप करना है और देन जो डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और फिर आपको मेल कर देना है। तो यहाँ पे इस पर हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद से आप देख सकते हैं, सो फाइनली मैं इसको डाउनलोड कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे आप सारा डिटेल आप देख सकते हैं, एडमिशन का प्रोसेस, जो जो चीज़ इसमें दिया गया है सबको फिलअप करना है। सबसे पहले इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लेंगे, प्रिंट आउट निकलवा के इसको फिल कर देंगे। ठीक, उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स जो आपका लगेगा उसके साथ अटैच करेंगे। अटैच करके इस मेल आईडी पे आपको दिख रहा होगा, इस मेल आईडी पे आपको मेल कर देना है। ठीक, सारा डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको देना होता है। सो अब मैं बात करने वाला हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना होगा, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपका एडमिशन फॉर्म है, उसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना होता है। तो यहाँ फर्स्ट में आप देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट 12th, यानी कि 12th का आपका मार्कशीट देना होगा, जिसका जिसमें आपको 50% मार्क होना चाहिए। सेकंड आप देख सकते हो, इंग्लिश शुड बी वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश जो आपका होगा वो कंपलसरी होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से स्टडी किए हो, लाइक साइंस, आर्ट, कॉमर्स, किसी भी से किए हो, आपका इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। एज की बात करूँ तो एज जो जनरल कैटेगरी से हैं उनका एज 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद से जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनका एज 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ अटैच करके आपको मेल कर देना है, जो मेल आईडी आपको बताए हैं। यहाँ पे फिर से मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ मेल आईडी का, उस मेल आईडी पे आपको मेल कर देना है। सो फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। सो जो लोग भी अगर नियर हो तो मैं यही बोलूँगा कि आप कॉलेज को ही विजिट करो, ताकि अच्छे से समझ में, सारा प्रोसेस समझ में आ जाए। जो लोग दूर हैं वो लोग अपना मेल आईडी जो दिया गया है उस मेल पे जो एप्लीकेशन को अप्लाई
कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग भी चैनल पर नए उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।